नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में इन दिनों बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से एवं दूरदर्शन के माध्यम से तालीम देने का काम किया जा रहा है। बागबाड़ा के जूनियर हाई स्कूल स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर मौजूद रहे खंड शिक्षा अधिकारी उमेंद्र त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से और मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से तालीम देने का काम कर रहे हैं। वहीं दूरदर्शन पर पाठशाला के नाम से जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, पाठशाला के माध्यम से भी बच्चों को तालीम दी जा रही है। इस दौरान उनके द्वारा ये भी कहा गया कि वो प्रत्येक स्कूल का दौरा कर अपने शिक्षकों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के लाभ से अपने बच्चों को विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं। समस्त एआरपी टीम द्वारा ई पाठशाला के अंतर्गत विद्यालयों में ऑनलाइन गूगल मीटिंग की जा रही है, जिसमें लगभग प्रत्येक विद्यालय को एक समय दे देते हैं पूर्व में कि आपके द्वारा क्या क्या गतिविधियाँ की जा रही है। विद्यालय से जो हमारे पास सूचना आ रही है, प्रत्येक विद्यालय में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, अध्यापक शासन के निर्देशों के तहत मोहल्ला पाठशाला का कार्यक्रम चला रहे हैं। विद्यालय में बच्चों को ना बुलाकर घर घर जा कर के पास के एक समूह में बच्चों को या एक परिवार के बच्चों को एकत्रित करके उनको आवश्यक जानकारी दे देते हैं, जहाँ कहीं पर कठिनाई आ रही है उसको हल कर रहे हैं। कुछ जो हमारे गाँव में पढ़े लिखे युवा वर्ग के बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करके उनको बता के प्रेरणा साथी बनाए गए हैं। प्रेरणा साथी द्वारा भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है। अधिकांश ग्रामों में प्रेरणा साथी जो है वो बच्चों को पठन पाठन करा रहे हैं। प्रेरणा साथी अध्यापक से संपर्क कर रहे हैं, अध्यापक उनको गाइड कर देते हैं, उसी आधार पर बच्चों को क्लास जो है वो लगा रहे हैं। बहुत से विद्यालय ऐसे भी हैं, भ्रमण में पाया गया, निरीक्षण में हम भी देख रहे हैं, अभिभावकों को सुबह को अध्यापक द्वारा बुला दिया जाता है। अभिभावकों से विचार विमर्श करके उनके बच्चों की क्या क्या समस्याएं हैं, इस तरीके से कुछ अध्यापक नोट्स बना लेते हैं, नोट्स बना लिए विषयवार गणित के, विज्ञान के, अंग्रेजी के, उन नोट्स को कार्बन कॉपी करके गार्जियन को दे देते हैं, गार्जियन जाके बच्चों को दे रहे हैं वो कॉपी, बच्चे उस पर हल करके फिर जो है दूसरे दिन विद्यालय में वापस कर देते हैं, अध्यापक उनका मूल्यांकन करते हैं। इस तरीके से मिशन प्रेरणा के तहत सभी अध्यापक जो हैं पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। बच्चों के अभिभावक जो हैं सर, उनसे क्या अपील करना चाहोगे अपनी इस कार्यक्रम को लेकर? बच्चों के अभिभावकों से यही अपील है कि तो जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनके लिए तो सलाह है कि दूरदर्शन के माध्यम से या अन्य कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं तो उन पर बच्चों को अपना उस समय वो बच्चों के लिए सुविधा दे दें कि दूरदर्शन कार्यक्रम चला रहा है, अध्यापक सूचना कर देते हैं गार्जियन को कि इस समय तक इस विषय का दूरदर्शन पर कार्यक्रम आ रहा है, तो वो बच्चों को बैठा दें और बच्चों को प्रेरित करें कि बच्चे बैठकर उस कार्यक्रम का लाभ ले सकें।